एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। बाबा साहब की 127वीं जयंती पे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी हमारे बीच में हैं, जिन्होंने आज एससी एसटी वेलफेयर बोर्ड बनाकर सभी लोगों को यहाँ सम्मानित किया और प्रशंसनीय पत्र दिया। सर, आज आपने एक नई पहल की है जो एससी एसटी वेलफेयर बोर्ड बनाया है, इसका क्या महत्व है, क्या तात्पर्य है? एक्चुअली एससी एसटी वेलफेयर बोर्ड पहले भी रहा है जी, लेकिन वो केवल यहाँ तक सीमित रहा कि उनको कभी साल में एक मीटिंग कर दी, खाना वाना खिला दिया और बस, उसका कोई महत्वपूर्ण रोल रहा नहीं है जी। तो हमने कोशिश की उसका जो वास्तव में रोल होना चाहिए उस रोल के हिसाब से गठन करने की और फॉर्मेलिटी ना करके बल्कि सरकार का सहयोग करने की कि एसएसटी का कैसे विकास किया जा सकता है, उनकी कल्याण की क्या योजना हो सकती है। तो वो बोर्ड उसको सरकार को एक तरीके से सलाह देने का काम करेगा और मैं समझता हूँ जो बोर्ड के मेंबर बने हैं उनको मैं बधाई भी देना चाहूँगा और ये भी उनसे उम्मीद करूँगा कि वो मात्र जैसे पहले राजनीतिक पार्टियाँ किया करती थी, सत्ताधारी दल उनको सर्टिफिकेट दे देते थे और कभी कभी साल में बुला लिया, वो उस तरह ना करके बल्कि अपनी भूमिका सरकार को मजबूत करने में, सरकार को एससी एसटी के विकास की योजनाएं बनाने में अपना योगदान प्रदान करें और वो अपनी भूमिका को समझें और उसको भूमिका को पूरी तरह से अंजाम दें। सर, ये जो बोर्ड बनाया जाए इसकी क्या जिम्मेदारियां रहेंगी, क्या इनकी पूरी दिल्ली के अंदर कितने मेंबर बनाने हैं? पूरे दिल्ली में 144 हमने मेंबर बनाए और उसका उसका सीधा सीधा उद्देश्य है कि ये 144 लोग जो एस सी एस टी मिनिस्टर हैं या जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को एस सी एस टी के विकास की योजनाएं किस तरह की होनी चाहिए ताकि उसका लाभ निचले स्तर तक पहुंच सके, उस पर सलाह देंगे सरकार को, सरकार उसके हिसाब से उन काम को आगे अंजाम देगी। सर, इस बोर्ड को जवाबदेही किसकी होगी? जवाबदेही तो आदमी खुद तय करता है जी, सरकार कानून कितने भी जवाबदेही तय कर ले, अगर लोगों का मन काम करने का नहीं है, केवल फॉर्मेलिटी करने का, तो उसको कुछ उचित नहीं निकलता है। जवाबदेही तो खुद को देनी होती है कि खुद को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि जो जिम्मेदारी मुझे दी है वो मैंने ईमानदारी से निभाई है, मैंने एसएसटी समाज का दिल्ली में विकास की योजना बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उसको खुद को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। अगर खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं है और फॉर्मेलिटी करनी है तो फिर ये बोर्ड भी ऐसा साबित हो जाएगा जैसे पहले बनते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। सर, एक क्वेश्चन, सर अभी आपको पता लगा है और अभी चर्चा में है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले को गिरवी रख दिया, जो भारत की धरोहर थी उसको एक सोचने में भी बड़ा एक अजीब सा लगता है। पहले कहते थे कि हम, मुझे उसकी स्पीच याद आ रही है जब वो कह रहे थे कि मैं देश नहीं लूटने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा जी, लगता है उसके विपरीत जो वो बोलते हैं, मतलब अनफॉर्चुनेटली मैं कोई मेरा व्यक्तिगत आरोप लगाने का इरादा नहीं है, लेकिन मुझे दुख इसलिए हो रहा है कि जो वो बोलते हैं हमेशा उसके विपरीत क्यों करते हैं जी। दलितों के साथ जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे मुझे गोली मार देना जी, दलित मारे जा रहे हैं, दलितों की पिटाई हो रही है, दलितों की इज्जत टूट रही है, दलितों पर हमले हो रहे हैं, दलितों की हत्याएं हो रही हैं, आगजनी हो रही है, लगातार झूठे केस बन के अंदर किया जा रहा है, मोदी जी चुप है। तो भाषण से काम नहीं चलेगा, कुछ करके दिखाना होगा, वरना 2019 में जनता अपना जवाब देगी। लेकिन सर, एक तरफ कहा जाता है कि जो ये ऐसी राष्ट्रीय धरोहर है इसको ना तो बेचा जा सकता है ना खरीदा जा सकता है, इसकी नरेंद्र मोदी जी ने एकदम अचानक इसकी एक डालमिया एंड संस कंपनी को ही वो दे दिया गया। एक्चुअली मोदी जी का तो व्यक्तित्व इस तरह का है कि जो देश के बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनको आगे बढ़ाना है, बात करेंगे देश की लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत में तो जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनको बहुत सस्ते दामों पर जमीन दे देना, उनको तरक्की करना, उनको बढ़ाना, उनको बड़े बड़े ठेके दे देना और बड़े बड़े लोन भी फिर उनको दे देना और फिर उस लोन को एनपीए में भी करवा देना, तो ये सब कुछ हो रहा है, दुखद है पूरे देश के लिए मैं समझता हूँ, लेकिन लोग उसका जवाब देंगे और ज़रूर देंगे। आप इंतजार कीजिए 2019 का। धन्यवाद सर, थैंक यू।